हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 14A। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन डजन ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज 24.60, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस। इट मींस वन डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट रुपीज 24.60 गिवन है एंड आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट 5 ऑरेंजेस की। लुक एट, यहां पे जो कॉस्ट रखी है ऑरेंजेस की वो डजन में दे रखी है और जो आपसे कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कही गई है वो 5 है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट 1 dozen इज इक्वल टू 12। 1 dozen जो होता है वो 12 के इक्वल होता है। ओके, सो इट मींस ये जो कॉस्ट 1 dozen ऑरेंजेस की गिवन है, एक्चुअली 1 dozen जो मींस कितने ऑरेंजेस की, यहाँ पे कॉस्ट पूछी गई ऑरेंजेस में, सो इसको भी हम लोग ऑरेंजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और 1 dozen इज इक्वल टू 12, इट मींस ये कॉस्ट दे रखी है 12 ऑरेंजेस की। ओके, सो ये लाइट डाउन कॉस्ट ऑफ 1 dozen, दैट इज इन ब्रैकेट विल लाइट 12 ऑरेंजेस, इट इज गिवन रुपीज 24.60 एंड आपको फाइंड आउट करनी है 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट। वी कैन नॉट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस अंटिल वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ 1 orange। जब तक हमको 1 orange की कॉस्ट नहीं पता होगी हम 5 oranges की फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट what will we do? First we'll find out the cost of 1 orange। हम 1 orange की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 1 dozen that is 12 oranges कॉस्ट गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है। As I told you earlier also, whenever we are given the value of more and we are asked to find out the value of 1, we always divide। हम हमेशा डिवाइड करते हैं। So in order to calculate the cost of 1 orange, we will divide। So cost of 1 orange will divide rupees 24.60 by 12. Here we'll divide. It will go 2 times 12, 2 is 24. Now subtract, we get 0 remainder. अब जब next digit लेंगे तो हमारे decimal point आ रहा है. So decimal point हमारे question में put करेंगे. Then हम 6 लेंगे. But still we cannot divide because 6 is smaller than 12. So we are taking 2 digits continuously. और जब 2 digits continuously रहते हैं, then 0 question में put करते हैं. Okay, 0 put करेंगे. अब ये 60 हो जाएगा, इट विल गो 5 टाइम्स 12, 5 इज 60, सो द क्वेश्चन इज 2.05। इट मींस द कॉस्ट ऑफ 1 orange विल बी रुपीज 2.05। ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ 1 orange, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 orange। अब हम 1 orange की कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है तो 5 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ 1 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोर, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 की वैल्यू दी होती है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 oranges क्यों फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 oranges विल मल्टीप्लाई रुपीज 2.05 इंटू 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखिए 2.05 को 5 5 25, 5 2 10, बिकॉज 0 पे कैरी नहीं जाता है। सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, पहले काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट के कितनी डिजिट्स है, 1 2 2 डिजिट्स है। इट मींस हम लोग आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर लेंगे, 1 2, ये डेसिमल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। सो इट विल बी रुपीज 10.25, इट मींस 5 oranges की कॉस्ट होगी रुपीज 10.25। सो इसे विल राइट डाउन, सो द कॉस्ट ऑफ 5 oranges इज रुपीज 10.25। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 दैट यू विल प्रैक्टिस एट होम बाय योरसेल्फ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो आई एम स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 6 दैट यू विल प्रैक्टिस एट होम बाय योरसेल्फ। Now I'll explain question number 7. So look at question number 7. Question number 7 is 8 scores of bananas cost rupees 192. Find the cost of 85 bananas. It means 8 scores bananas की cost rupees 192 है. So आपको find out करनी है cost 85 bananas की. Okay. So यहाँ पे जो cost दी है वो 8 scores की दे रखी है. और आपसे जो फाइंड आउट करने कहा गया है वो 85 बनानास की फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट 1 score इज इक्वल टू 20। ओके, जो 1 score होता है वो 20 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे कॉस दे रखी है 8 scores की, सो 1 score में 20 होता है तो 8 scores में कितना हो जाएगा, हम इसको स्कोर से नंबर ऑफ बनानास में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमें 1 की स्कोर की वैल्यू पता है, मोर की फाइंड आउट करना तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 score होता है 20 के इक्वल, तो 8 score की कितने का इक्वल हो जाएगा, हम 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 या 160, इट मींस
एक्चुअली यहाँ पर 160 बनानास की कॉस्ट दे रखी है रुपीज 192 एंड हमें 85 की फाइंड आउट करनी है. सो जब तक हम 1 बनाना की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 85 बनानास. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना वी विल डिवाइड बिकॉज जब भी हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वी ऑलवेज डिवाइड. सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू विल डिवाइड रुपीज 192 अपॉन 160. ओके नाउ वी विल नॉट सॉल्व इट हियर. यहां पे हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज अदरवाइज आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो डेसिमल में आएगा और कैलकुलेशन आपकी इट विल बिकम लिटिल बिट टफ. सो हम क्या करेंगे इसको आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है सो मैं भी इसको यहीं पे वी विल लीव एज इट इज. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इट इज रुपीज 192 अपॉन 160. अब हमें 1 बनाना की कॉस्ट पता है हम इजीली 85 बनाना की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज 1 की वैल्यू पता होती है मोर की फाइंड आउट करनी होती है देन वी ऑलवेज मल्टीप्लाई. सो कॉस्ट ऑफ 85 बनानास हाउ कैन वी फाइंड आउट हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके रुपीज 192 अपॉन 160 इंटू 85. फर्स्ट वी कैन रिड्यूस 160 एंड 85 बाई 5. 5 से हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओके लुक एट 5 थ्री 15 1 बच्चे का रिमाइंडर नेगेटिव 0 ले लेंगे 10 हो जाएगा इट विल गो 2 टाइम्स 5 टू 10 हियर 5 इज द 5 3 बच्चे का रिमाइंडर नेक्स्ट रीड लो लेंगे 5 ये हो जाएगा 35 इट विल गो 7 टाइम्स 5 7 इज 35 यहां पे 17 आ जाएगा. देन वी कैन रिड्यूस 32 एंड 192 बाय 8 8 4 इज 32 हियर 8 टू 16 3 बच्चे का रिमाइंडर नेक्स्ट रीड 2 है 32 जाएगा इट विल गो 4 टाइम्स 8 4 इज 32 अगेन वी कैन रिड्यूस इट बाय 4 4 1 जा 4 4 6 जा 24 सो व्हाट विल बी लेफ्ट इन न्यूमरेटर 6 इनटू 17 एंड वी नो 17 6 जा 102 इट मींस रुपीस 102 विल बी द आंसर. सो द वी कैन से द कॉस्ट ऑफ ए डिस्कोर्स या कह सकते हैं 160 बनाना की जो कॉस्ट होगी वो होगी सॉरी एट स्कोर्स की जो गिवन है 85 की 85 बनानास की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी रुपीज 102. सो द कॉस्ट ऑफ 85 बनानास इज रुपीज 102. ओके बस हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है स्कोर्स देखे तो स्कोर्स को हम नंबर ऑफ बनानास में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज 1 स्कोर जो होता है 20 की इक्वल होता है तो 8 स्कोर कितने की इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 20 करते हैं 160 आ जाएगा. इट मीन 160 बनाना की कॉस्ट गिवन है हम 1 की फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइड करके देन 85 की फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14A. ओके थैंक यू.